ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताएं मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची हबस और गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कैद के मौसम में 30 जून से बेहतरी आने लगेगी, जबकि यहां बारिश 2 जुलाई से होने का अम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि बहेरा अरब में भारतीय गुजरात के करीब हवा का कम दबाव मौजूद है। इस हवा के कम दबाव से कराची में दिन में समंदरी हवाएं नहीं चल रहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि पाकिस्तान में 30 जून से मूनसून हवाएं खलीज बंगाल की सिमत से दाखिल होंगी, जिनके बायस कराची में जुमेरात से मौसम में बेहतरी आने का अम्कान है। उन्होंने बताया कि बहरा अरब से नम हवाएं भी मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जबकि मुल्क के शुमाली हिस्से में 30 जून से बारिशों का आगाज होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि मूनसून का यह सिस्टम मुल्क के बेशतर इलाकों में असरअंदाज हो सकता है। इसके तहत सिंध में थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में 1 जुलाई की रात से बारिश मुतवक्को है। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई की शाम या रात कराची में भी बारिश का अम्कान है। मूनसून का यह सिस्टम मुल्क के जनूब, सिंध और बलूचिस्तान में जैद बारिशों का बायस बन सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मजीद बताया कि कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन और कुछ इलाकों में 5 दिन तक वक्फे से बारिशों का अम्कान है। उनका यह भी कहना है कि हालिया मौसमियाती जायजे के मुताबिक ये सिस्टम तेज़ बारिशों का बायस बन सकता है।